ऐसे कुछ सब्जियां बचती है ना, तो उनको मैं इस तरह से पराठे बना देती हूँ, आटे में फिल करके। चले गए हैं अपने काम पर और हर्षित गया हुआ है स्कूल, और अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। और खाने में आज कल आपको मेरी है ना वो मिर्ची का अचार अच्छा लगा, तो उसी से इंस्पायर होकर के, आपके कमेंट से मोटिवेट होकर के मैं आज आप लोगों के साथ में एक और बढ़िया सी रेसिपी शेयर करती हूँ। और उस रेसिपी को तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ऐसा घर में कोई बंदा नहीं होगा जो पसंद नहीं करेगा, तो इसे ज़रूर ना बनाइएगा। चलिए बनाते हैं जल्दी जल्दी से ना, साथ ही साथ मेथी आलू की सब्जी भी बना लेंगे, और क्योंकि है ना मेथी नहीं तो ख़राब हो जाएगी, और क्योंकि वो मेथी तो है ही और उसके अलावा और मेथी आ गई है, और यकीन कीजिएगा हमारे विंटर्स में है ना मेथी, बथुआ और पालक, ये तीन सब्जी ऐसी हैं जो आपको हमेशा हमारे घर में मिलेगी, रेगुलर बेसिस पे बनती हुई दिखेगी। अब रोज़ रोज़ मेथी आलू खा के तो ऐसे तो बोर हो जाएंगे, इसलिए मेथी आलू के साथ में एक सब्जी और हो जाएगी, तो इस तरह से बनाएंगे। और जो मैं सब्जी बनाने वाली हूँ ना, वो सोया चंक्स की सब्जी है। जैसे कभी घर में कोई सब्जी ना हो ना, तो इससे अच्छी सब्जी कोई हो नहीं सकती है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना हम लेडीज़ के साथ में कि घर में कोई सब्जी नहीं होती, और फिर उस समय हमारे ऊपर चैलेंज होता है कि क्या बनाए क्या बनाए, इसे ना इंटरनेशनल प्रॉब्लम घोषित कर देना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक कटोरी सोयाबीन ली है जिसे मैंने धो लिया है, और धो करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालकर कि इसे बॉईल करने के लिए रख दूंगी। इसके अंदर जो पानी है ना उसे यूँ निचोड़ करके और ना, और दूसरी कटोरी के अंदर रख लेंगे। फिर थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, और कढ़ाई मैंने वही यूज़ की है जो सुबह हर्षित के लिए मैंने लंच बॉक्स रेडी किया था ना, तो उसी कढ़ाई में मैं ये गरम कर रही हूँ, इसी में ही इन्हें फ्राई कर लूँगी। तेल जो है वो गरम हो गया है, इसके अंदर इसको डाल करके और इनको फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे फ्राई भी हो गए, इनका थोड़ा थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। आप चाहें तो और ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं अगर आपको कलर और चेंज करना है, तो मैं इतने पे ही इसे ना उतार लूँगी। कढ़ाई गर्म ही थी तो उसी के अंदर मैंने और थोड़ा सा ऑयल डाला है, और ये प्याज मैंने ऐसे लंबे लंबे कट करके इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर प्याज भी ना फ्राई हो गई है, और इतना ही रखेंगे इसे, तो इसे बस अब निकाल लेंगे, गैस को ऑफ कर दूँगी और इसको निकाल लेंगे कढ़ाई में से। प्याज को ठंडा होने देंगे, और साथ ही ये भी ठंडे हो गए हैं तो इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूँगी नमक, तो नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, कम ज़्यादा होगा तो वो बाद में भी डल जाता है। हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और साथ में धनिया पाउडर, बस इतने मसाले डालेंगे। और साथ में इसके अंदर डालेंगे दही एक कटोरी, और दही इतना ध्यान रखिए कि ये खट्टा नहीं होना चाहिए। और फिर इन्हें हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो हैं इसके अंदर अच्छे से चले जाएं, और ऐसे मिक्स करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि मसाले जो हैं वो सोया चंक्स के अंदर अच्छे से चले जाएं। अब जो प्याज है ना फ्राई करके रखी थी वो ठंडी हो गई है, तो उसे मिक्सी के जार में डाल देंगे क्योंकि इसे पीसेंगे हम। और साथ में इसके अंदर एक हरी मिर्ची डाल रही हूँ मैं, आप चाहें तो इसके अंदर अदरक भी डाल सकते हैं क्योंकि विंटर्स हैं, लेकिन मैं हरी मिर्ची डाल करके और बस इसे पीस लूँगी, बारीक पेस्ट बना लूँगी। मैं एक्चुअली काम कर रही थी और यहाँ पे ये वंशु आ गया और बोल रहा था मैं चलाऊंगा, मैंने बोला चलो चला, फिर से वंशु मेरी हेल्प कर रहा है, मिक्सी चला रहा है वो। और इसके अंदर मैं डालूंगी ये सारे मसाले, तेज पत्ता, जायफल, जीरा,
दो काली मिर्ची और लौंग। और जो ये प्याज भून करके और पीस के रखी थी, इसे इसका पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। और इसको थोड़ी सी देर भून लेंगे। वैसे ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी भुना हुआ है। तो इसको थोड़ा सा भून करके और इसके अंदर जो मसाले डाल करके सोया चंक्स को रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में कंटिन्यूसली से चलाएंगे क्योंकि इसके अंदर दही है तो फट सकती है, इसलिए थोड़ा सा देर है ना, थोड़ी सी देर चलाएंगे जब तक कि घी जो है वो तेल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता है। तो ये देखिए जल्दी से जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा क्योंकि सारी चीज़ें भुनी हुई हैं, तो यहाँ पर ऑयल सेपरेट होने लग गया है। तो बस इसके अंदर इस टाइम पर मैं कश्मीरी लाल मिर्ची डालूँगी थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च से ना कलर अच्छा सा आ जाता है इसलिए। और यहाँ पर उसको अच्छे से इसके साथ में मसालों के साथ में भून लूँगी। और इसके बाद में हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो जिस फॉर्म में आपको रखना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी रखनी है या ज़्यादा पतली रखनी है, उस अकॉर्डिंग आप पानी डाल लीजिएगा कम ज़्यादा। तो मेरे घर में तो है ना सब लोग थोड़ी सी पतली खाते हैं इसलिए मैं पतली बनाऊँगी। वैसे ये सब्ज़ी जो है थोड़ी सी गाढ़ी ही बनती है और जिससे ना शाही लुक देती है, तो आप थोड़ी सी गाढ़ी रखिएगा, मैं थोड़ी सी पतली ही बनाऊंगी। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ मैं। और फाइनली इसके अंदर मैं कसूरी मेथी डालूंगी क्रश करके। तो यहाँ पे बस कसूरी मेथी डालूंगी और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। ये वाली साड़ी ना अच्छी तो काफ़ी है, आप लोगों को भी अच्छी लगती है, लेकिन पता है इसके अंदर एक क्या प्रॉब्लम है कि ये जो है ना ये इतने निकल रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, पूरे पेट पे चिपक जाते हैं हट हट करके। और ये वाली बिंदी आई नो इसके साथ नहीं मैच हो रही है, लेकिन ये जो नेक्स्ट वीडियो में जो साड़ी पहनी थी ना उसके साथ मैच हो रही थी, तो ये उसके साथ ही लगाई थी। और ये बिंदी ना ऐसी है कि अगर इसको मैंने हटा करके चिपका दी कहीं पर और फिर उसको दोबारा से लगाई ना तो ये यूज़ नहीं हो पाएगी, इसलिए अब ये जब तक खुद नहीं हटेगी ना मैं नहीं हटाऊंगी। पता नहीं मेरी क्या आदत है कि जैसे अब ये वाली बिंदी है कि हटा दूँ चलो दूसरी लगा लूँ, ऐसे मुझसे नहीं होता है। लगी है तो लगी है, क्या कर रहे। यहाँ पर मेरी जो है आलू मेथी की सब्जी भी तैयार है और यहाँ पर ये बरी की सब्जी भी तैयार है। तो ये वाली जो सब्जी है ना इसे आप ना गाढ़ी है या पतली अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमारे ना मेरे हस्बैंड जी को थोड़ी पतली अच्छी लगती है इसलिए मैंने थोड़ी पतली रखी है, लेकिन अगर इसको गाढ़ी रख के भी बने ना तो थोड़ी शाही लुक देती है। तो एक्चुअली दोनों ही सब्जियों में प्याज था तो इसलिए मैंने भगवान जी के लिए थोड़ा सा हलवा बनाया भोग के लिए और उनको हलवे का भोग लगाया। यहाँ पर वही हलवा रखा है मैंने और साथ में मेथी आलू की सब्जी और ये जो मैंने सब्जी बनाई थी ये वाली सब्जी सोया चंक्स की। और साथ में ग्रीन रोटियां, एक्चुअली मैंने बथुए को बॉईल करके रखा था तो उसी को पीस करके आटे में डाल दिया था, तो ये भी न्यूट्रिशन से भरपूर हो गई सब रोटी। तो ये आज की थाली है। हस्बैंड जी की तो मोस्ट फेवरेट सब्जियों में से एक सब्जी है, आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और तो आप लोग भी आजिए, ये दोस्तों खाना खा लीजिए। पूरा आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है और इससे मतलब ये जो थाली मैंने बनाई है ना इससे अच्छी थाली मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकती, मेरी तो फेवरेट थाली है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ में इसी लंच रूटीन के साथ में इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।